हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतो कॉमर्स चैनल पे। सब कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सो आज हम करेंगे पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का पार्ट थ्री। हम ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। सो आज हम करेंगे इस चैप्टर का पार्ट थ्री। सो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने जाना कि हमारी दो टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पब्लिक सेक्टर के अंदर बेसिकली तीन चीजें आती है। फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, फिर आ जाता है गवर्नमेंट कंपनी और फिर आ जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। सो हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ऑलरेडी कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस के अंदर। सो आज हम करेंगे स्टार्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। सो अगर मैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की बात करूं, सो सबसे पहली बात, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है वो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना है सोसाइटी को। सो इनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इनको बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सोसाइटी को, राइट? और ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मतलब है कि ये ओन मैनेज एंड कंट्रोल गवर्नमेंट के थ्रू है। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बेसिकली एक ऐसी पब्लिक एंटरप्राइज है जो एग्जिस्टेंस में आई है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास हुआ और उस एक्ट की वजह से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बेसिकली एग्जिस्टेंस में आई है। और ये जो एक्ट पास हुआ है, ये एक्ट सब कुछ डिफाइन करेगा कि पावर्स क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है एम्प्लॉइज के। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को एग्जिस्टेंस मिली है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, और ये एक्ट सब कुछ डिफाइन करेगा कि पावर्स क्या है एम्प्लॉइज की, फंक्शंस क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, और हमारे लाइक एम्प्लॉइज का रिलेशनशिप क्या है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। सो ये एक्ट सब कुछ डिफाइन करेगा। सो इस स्लाइड के अंदर हमने जाना कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बेसिकली एक ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो एग्जिस्टेंस में आई है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये एक्ट सब कुछ डिफाइन करेगा कि एम्प्लॉइज की पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, और हमारे एम्प्लॉइज का रिलेशनशिप क्या है बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की। ये है LIC, LIC स्टैंड करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ये दोनों एग्जिस्टेंस में आए हैं स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, और ये दोनों एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मतलब ये ओन मैनेज एंड कंट्रोल गवर्नमेंट के थ्रू है, राइट? सो अगर मैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के फीचर्स की बात करूं, सो फर्स्ट फीचर है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एग्जिस्टेंस में आए हैं बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बेसिकली एक गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज है, मतलब इसमें गवर्नमेंट के पास फुल एंड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, सब कुछ गवर्नमेंट हैंडल करेगी। और ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब इनकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। सो ये अपने नेम पर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, किसी को स्यू कर सकते हैं, किसी के थ्रू स्यू हो सकते हैं। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की बेसिकली एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और फिर है इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। सो जो इनकी सारी की सारी फंडिंग है वो गवर्नमेंट अरेंज करती है। सो सारी फंडिंग गवर्नमेंट अरेंज करेगी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के थ्रू। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में बेसिकली क्या है कि हमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मेंटेन करना जरूरी नहीं है। सो गवर्नमेंट को बेसिकली अकाउंटिंग, ऑडिटिंग,
ये सब चीजों के जो रिकॉर्ड्स है मेंटेन करना जरूरी नहीं है। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर जाना था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करना जरूरी है, पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नेसेसरी नहीं है। सो गवर्नमेंट को प्रॉपर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट ये सब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के अंदर एम्प्लॉयज हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर जो एम्प्लॉयज है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के अंदर जो एम्प्लॉयज है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। सो ये कुछ फीचर्स थे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की। फर्स्ट है, इसको एग्जिस्टेंस मिलती है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये बेसिकली गवर्नमेंट मैनेज करती है, और ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, राइट? मतलब ये बेसिकली सीयू हो सकती है खुद के नेम पर, सीयू कोई कर सकता है, इसको प्रॉपर्टीज बाय कर सकती है अपने खुद के नेम पर, और इसको सारी की सारी फंडिंग आएगी गवर्नमेंट के थ्रू। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के एम्प्लॉयज है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। सो अब है आपके लिए क्विज टाइम। द नेचर एंड पावर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस इज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, प्रोस्पेक्टस, स्पेशल स्टैट्यूट या एमओए। सो इसका करेक्ट आंसर है स्पेशल स्टैट्यूट। सो बेसिकली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को एक स्पेशल एक्ट पास कर दिया जाता है, उसके थ्रू एग्जिस्टेंस मिलती है। सो एक स्पेशल एक्ट पास हुआ होता है। नेक्स्ट इज डैश एन ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, एमएनसी या एचयूएफ। सो इसमें कहा है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको एग्जिस्टेंस मिलती है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज आंसरेबल टू डैश और स्टेट असेंबली हूसोएवर क्रिएट्स इट। सो इसका करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आंसरेबल होगी पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट भी एक गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट है, राइट? सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को, सो वो गवर्नमेंट बेसिकली आंसरेबल है उसके लिए। सो करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट। द सेक्टर विच एम्स एट मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइवेट। सो प्राइवेट का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पब्लिक का मेन मोटिव तो होता है अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर एम्स एट प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज टू कस्टमर्स, इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। पब्लिक सेक्टर का मेन एम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, प्राइवेट सेक्टर का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हम जानेंगे कुछ एडवांटेजेस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की। फर्स्ट है इंडिपेंडेंस इन फंक्शनिंग एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। सो फर्स्ट है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को एक इंडिपेंडेंस मिलती है, राइट? क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के अंदर बेसिकली क्या है कि सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज है, सो गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती। सो फंक्शनिंग इनकी इंडिपेंडेंट है और इनके पास खुद की फ्लेक्सिबिलिटी है खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की। सो गवर्नमेंट इतना कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट की इतनी रेगुलेशंस नहीं है। और फिर है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सो ऑटोनॉमी का बेसिकली मतलब होता है इंडिपेंडेंस। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को एक इंडिपेंडेंस मिलती है। सो इनको फंडिंग बेसिकली मिलती है, सारी की सारी फंडिंग मिलती है इनको गवर्नमेंट से, राइट? सो सारी की सारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ही हैंडल करेगा। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का बर्डन किसी और पे नहीं है, बट सारा बर्डन बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू ही है। सो गवर्नमेंट सारे के सारे इंडिपेंडेंटली फाइनेंसेस हैंडल करेगी। और फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। सो एडमिनिस्ट्रेशन भी ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस अपना खुद से ही हैंडल करते हैं, ओके? सो इसमें कोई और इंटरफेयर नहीं करता, बट सारी के सारी खुद से ही हैंडल होता है इंडिपेंडेंस भी। और फिर है अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। अगर एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, सो इससे आपकी कंट्री की जीडीपी बूस्ट होगी।
राइट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। सो इसमें सारी की सारी पावर गवर्नमेंट को दी जाती है। सो ये कुछ मेरिट्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के। फर्स्ट है कि हमें इंडिपेंडेंस मिलती है फंक्शनिंग में, और इसमें ये सब बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है इनको, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और इसमें सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अब हम जानते हैं कुछ लिमिटेशन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली का बेसिकली मतलब ये है कि सारी की सारी जो पावर है वो पेपर पे ही कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास होती है। कहने को सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के पास है, बट ऐसा नहीं है। कई बार जो खुद ऑफिशियल्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के अंदर, वो अपने खुद की पावर भी इंटरवीन करने का ट्राई करते हैं। सो सिर्फ और सिर्फ पावर पेपर पे है, बट एक्चुअल में जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है वो खुद की पावर भी, जो उनके ऑफिशियल्स है सीनियर ऑफिशियल्स है, वो खुद की पावर भी इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। और कहने को तो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, बट इसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है कई बार। और रिजिड स्ट्रक्चर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी सेट है हमें वही फॉलो करने हैं, हम खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकते। और फिर है कि सारी की सारी पावर बेसिकली गवर्नमेंट के पास है और सीनियर ऑफिशियल्स के पास है, सो इसलिए डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। सो ये कुछ लिमिटेशंस है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के। फर्स्ट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रिजिड स्ट्रक्चर, और फिर है डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। सो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, सो प्राइवेट सेक्टर बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ओन मैनेज एंड कंट्रोल किया जाता है, या तो सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू। बट पब्लिक सेक्टर ओन मैनेज एंड कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। और प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, बट पब्लिक सेक्टर का मेन एम है सोसाइटी को सर्व करना, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। और प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजमेंट है वो सब कुछ मैनेज एक इंडिविजुअल करता है, या जो इंडिविजुअल ने इलेक्ट किया हुआ है जिन लोगों को, वो करते हैं। बट पब्लिक सेक्टर के अंदर बेसिकली क्या है कि सब कुछ मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। और जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज है वो किसी भी साइज की हो सकती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट करती है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बहुत ज्यादा लेवल पे रन करती है। सो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज के अंदर एक बेसिकली कोई फिक्स साइज नहीं है, साइज चेंज होता रहता है। बट पब्लिक सेक्टर के अंदर बेसिकली मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है वो लार्ज सेक्टर के अंदर होती है। और फिर है कैपिटल। सो अगर मैं कैपिटल की बात करूं, सो कैपिटल में बेसिकली क्या है कि जो मनी कॉन्ट्रीब्यूट की जाती है वो ओनर खुद से ही करते हैं, या तो वो खुद के रिसोर्सेस से मनी करेंगे या तो कहीं से बोरो कर लेंगे, बट सारी की सारी मनी वो खुद से ही अरेंज करते हैं। बट पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइज के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मनी देती है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को। और फिर है एरिया ऑफ ऑपरेशन। सो पब्लिक सेक्टर, सो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज बेसिकली इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया के अंदर होते हैं, बट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज रेलवे, पोस्ट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग के अंदर होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडिविजुअल ही हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, बट पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। और फिर है प्राइवेट सेक्टर के अंदर एफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, सारे के सारे बहुत कम इंडिविजुअल्स ही हैं जो सारा का सारा काम हैंडल कर रहे हैं, सो इसलिए प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है। बट पब्लिक सेक्टर के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है थोड़ा थोड़ा कम है और एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। अब है आपके लिए एक क्विज। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंजॉयज अ सेपरेट लीगल स्टेटस, सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। सेपरेट, सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की बेसिकली क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सो वो उसका एक सेपरेट नजरिया है, मतलब हम खुद के नाम पर प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं, खुद के नाम पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, लाइक स्यू कर सकते हैं किसी को, किसी के थ्रू स्यू हो सकते हैं। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की सेपरेट लीगल एंटिटी है। और इसमें आपको एक ऑल्ट वन आउट को फाइंड करना है।
फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या ONGC। सो अगर आप देखोगे जो ए बी और डी है वो स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन है, बट सी वाला स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन नहीं है। सो ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट इज रेड टेपिज्म, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, रेड टेपिज्म। सो रेड टेपिज्म कोई मेरिट नहीं है फाइनेंशियल अंडरटेकिंग का, ये एक डीमेरिट है, राइट। सो ये था आज के वीडियो के लिए। आज के वीडियो में हमने जाना बेसिकली स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस के बारे में। सो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस बेसिकली एक ऐसी पब्लिक एंटरप्राइज है जो एग्जिस्टेंस में आई है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये एक्ट सब कुछ डिफाइन करता है कि एम्प्लॉइज की पावर क्या होंगी, एम्प्लॉइज के फंक्शंस क्या होंगे, एम्प्लॉइज के रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे। सो ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सब कुछ डिफाइन करता है, राइट। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस के। ये है LIC जो स्टैंड करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कुछ फीचर्स हैं स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस के। फर्स्ट है कि स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस को एग्जिस्टेंस मिलती है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट के पास सारी की सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो सारी की सारी फंडिंग है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आती है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस को। और स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन बेसिकली एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये खुद के नाम पर प्रॉपर्टीज बाय कर सकता है, खुद के नाम पर केस कर सकता है, किसी से केस करवा सकता है, और ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है। इंडिपेंडेंटली फाइनेंस का मतलब बेसिकली ये है कि सारी की सारी फंडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के थ्रू आती है। और स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और जो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है। फिर हमने कुछ क्विजेस के क्वेश्चन किए, और फिर हमने जाने थे कुछ मेरिट्स स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के। सो फर्स्ट मेरिट बेसिकली क्या है कि हमें इंडिपेंडेंस मिलती है फंक्शनिंग में, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली इंटरफेयर नहीं करता, एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर करता है। सो हमें बेसिकली इंडिपेंडेंस मिलती है फंक्शनिंग में, और ये फ्री है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के कंट्रोल के लिए, और इसमें हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस मिलती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस। और फिर हमने कुछ जाना था लिमिटेशन स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस की। फर्स्ट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल और लीगल इंटरफेरेंस होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स लीगल हैं जो लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी डिफाइंड है, उसको आपको फॉलो करना ही करना है, और फिर है डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है। और फिर हमने जाना प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस। फर्स्ट है कि प्राइवेट सेक्टर को ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल या तो एक पर्सन करेगा या ग्रुप ऑफ पर्सन करेंगे, बट पब्लिक सेक्टर को ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल किया जाता है बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, बट पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना। प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करेंगे, पब्लिक सेक्टर के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट करती है सब कुछ हैंडल। प्राइवेट सेक्टर का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट पब्लिक सेक्टर का साइज हमेशा बड़ा होता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कैपिटल जो ओनर्स हैं वही सब कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, बट पब्लिक सेक्टर के अंदर सारी की सारी कैपिटल गवर्नमेंट के थ्रू होगी। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया होता है, बट पब्लिक सेक्टर के अंदर आ जाएगा रेलवे, पोस्ट, ये सब चीजें। प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो डिसीजंस लेते हैं, बट पब्लिक सेक्टर के अंदर डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एफिशिएंसी ज्यादा है, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है, बट पब्लिक सेक्टर के अंदर कम है। सो ये था आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जानेंगे गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। सो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए वेदांत कॉमर्स के साथ।
थैंक यू सो मच, टेक केयर।